अस्सलामुअलैकुम तमाम अहले वतनों को और तमाम अहले इस्लाम को मेरी और मेरी फैमिली की जानिब से ईद मुबारक। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और ईद वाले दिन मनाल के साथ बहुत ही बुरा हुआ। जो कपड़े मैं इसके लिए लेकर आई थी कराची से स्टिचिंग करवा कर ईद के लिए, वो हो गए उसको बहुत ही ज़्यादा छोटे टाइट। और मुझे लग रहा है कि टेलर ने जो है वो महाकनायब जो है वो सी दिया गलती से, और मनाल को बिल्कुल भी नहीं आए थे। बेचारी ने फिर पुराने कपड़े निकाल के पहने। और मनाल का मूड बहुत ख़राब ही हुआ हुआ था, बिल्कुल ऑफ हो गई थी मनाल। ऑब्वियसली ईद पे सबको नए कपड़े पहनने होते हैं, और अगर इस तरह से बैड लक हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली। और माँ जो है वो तैयार हो गई हैं, माँ मिशाल ने जो है इनके बाल आयरन कर दिए हैं, और अब वो इनका हल्का फुल्का सा मेकअप कर रही हैं। और माँ का काजल फैल गया था तो वो फिर फिक्स कर रही थी मिशाल। और हम आ गए किचन में शीर खुरमे के लिए। दूध जो है वो मैंने रात को पका के रख दिया था, वो आप चांद रात के व्लॉग में देख सकते हैं, प्रिपरेशन जो मैंने ईद की थी। और फिर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और बटर डाल के बस सेवैयाँ तैयार हो गई थी। और बादाम पिस्ते जो हैं वो मैंने रॉ ही इसमें डाले थे, क्योंकि फ्राई करके मुझे अच्छे नहीं लगते। और अब हम यहाँ रख देंगे जो चॉप्स हमने मैरिनेट की थी उन्हें फ्राई करने के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे तिक्के मसाले लगाकर जो हमने चॉप्स तैयार की थी वो रख देंगे फ्राई करने के लिए। और फिर इसके साथ ही स्वर्स में जो है रेशमी कबाब चिकन के जो मैंने मैरिनेट करके रखे थे चांद रात पे, वो भी हम ओवन में रख देंगे ग्रिल करने के लिए, जब तक कि हम भून लेंगे बिरयानी का मसाला, जिसके लिए मैंने ऑयल में प्याज और गरम मसाला डाल के फ्राई कर लिया है। अब मैं गोश्त को अदरक लहसुन के साथ फ्राई करूँगी, फिर इसमें कुटी लाल मिर्चें और जावित्री जायफल और टमाटर और दही डाल के मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी जहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर हम इसमें चावल डालकर और चावलों को फिर लगा देंगे दम, जब तक हमारी बिरयानी तैयार हो रही है हमारे रेशमी कबाब भी पक जाएंगे। सोया मसाला जो है बिरयानी का अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें चावल डालकर और चावल रख देंगे दम के लिए, और बिरयानी यहाँ तैयार हो चुकी है। अब हम अपने कबाब भी देख लेते हैं, कबाब भी तकरीबन हमारे तैयार हो चुके हैं और कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। मैंने चेक भी कर लिए थे कि गले या नहीं, अच्छी तरह गल चुके हैं। सो बस अब हम ये जो है निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे, और फिर मलाई बोटी अपनी रखेंगे ओवन में पकने के लिए। सो यहाँ मैं मलाई बोटी भी जो है स्वेयर्स में लगा कर सारी और रख दूँगी ओवन में पकने के लिए, जब तक कि हम अपने दूसरे काम कर लेंगे। सो इसी तरह से मैंने सारी मलाई बोटी जो है वो करीब करीब करके स्वेयर्स में लगा दी थी, ताकि वो आपस में मिक्स होके पक जाएं और खुश्क नहीं हो और कड़क नहीं हो। फिर यहाँ हम फ्राई कर लेंगे कुछ वेजिटेबल्स, क्योंकि मुझे बनाना था प्लेटर बारबेक्यू का, तो उसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी फ्राई कर ली थी। और देखें यहाँ पर मलाई बोटी पे भी अच्छा सा कलर आ गया है। अब बस हम इसे भी निकाल कर जो है वो कर लेंगे डिश आउट। तो तकरीबन सारी चीज़ें हमारी बन चुकी हैं, अब बस हम इसको करेंगे डिश आउट और फिर टेबल पे लगा देंगे खाना। खाना लग चुका है और ये है हमारे ईद के मेन्यू की फाइनल लुक। और सालन मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि बारबेक्यू भी था और ज़्यादातर बिरयानी ही पसंद की जाती है हमारे घर में, तो सालन ऐसे ही रखे रहना था, हमने सोचा दूसरी ईद पे बना लेंगे। अब यहाँ खाने वगैरह से फारिग होकर बच्चे देख रहे हैं टीवी, और क्या करें यहाँ कोई नहीं है, किसके घर जाएं कहाँ जाएं। और बच्चे भी बड़े उदास थे, ना ददियाल वाला कोई था या ना ननियाल वाला, तो किसके जाएं। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सबसे बड़ा दुख कि बच्चों का कोई ईदी देने वाला नहीं था। तो फिर मैंने बच्चों के लिए एक इंटरटेनमेंट का जो है ना प्रोग्राम बनाया, और इनके लिए एक गेम रखा ट्रेजर हंट। उसके लिए मैंने कुछ ईदियाँ लिफाफों में छुपा के मुख्तलिफ़ जगहों पे छुपा दी थी, और फिर रिडल्स जो हैं वो मैंने पेपर्स पे लिखकर और फोल्ड करके
वो रख दी थी एक बास्केट में, और फिर बच्चों को जो थी वो अपनी एक पिक करनी थी रिडिल और उसका आंसर देके, और अपनी ईदी ढूंढनी थी। सो स्टार्ट करते हैं हम बच्चों के साथ एक इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम। सो हमारे साथ रहिएगा और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। सो चलिए चलते हैं गेम की चलो तरफ। भाई अब एक चीट उठा लो मनाल। एक कोने में आता हूँ, रात भर जागता रहता हूँ, दिन भर सोता रहता हूँ। अब वो पहली सॉल्व करो मुझे आगा। और फिर ढूंढो। तुम तो गेस कर सकती हो। मैंने कर लिया। ट्राई ट्राई ट्राई। चलो अब ढूंढना शुरू करो। तो एक सेकंड। तो भाई मनाल जो है वो तो ढूंढने में नाकाम रही हैं अपनी ईदी, तो हम मनाल को देंगे एक और चांस और ये वाली चिट दोबारा हम शामिल कर देंगे सारी चिटों के साथ, और फिर किसी और की टर्न पे वो हो सकता है कि कोई और तलाश कर ले। सो अब है मिशाल की बारी। पड़ा पड़ो। घूमता जाऊं जब मैं एक बीप बजाऊं, तुमको गरम खाना खिलाऊं। यस अब ढूंढो क्या चीज़ है। जवाब तो बता दो पहले। अवन। अवन माइक्रोवेव। चलो बस। एक कोने में रहता हूँ, रात भर जागता रहता हूँ, दिन भर सोता रहता हूँ। यही वाला नहीं। चलो देखो अब कितनी ईजी मिली है वहां को। दिखाओ लिफाफा। ओके सो वहां को मिले 10 रियाल। मैंने कहा। और अब अगेन आ गई है मनाल की टर्न। तो देखते हैं मनाल का क्या निकलता है। क्या आता है? खाना हो या पानी हो, जूस हो या कोल्ड ड्रिंक, कर देता हूँ सबको ठंडा। अब बताओ क्या है? फ्रिज। ये तो मामा बहुत ही देता है मेरा। मनाल ने गेस कर लिया है अपना हिंट। बहुत ही देता है, बहुत ही ज्यादा। जानना क्या है? फ्रीजर तो नहीं है ना? एकदम ठंडा। एक सेकंड। फ्रीजर तो नहीं है ना? हटो। शायद हो सकता है यहाँ पे, मुझे खुद ने बताया। तो पहले हम फ्रिज में ढूंढेंगे। अब फ्रिज में कहाँ ढूंढे? आज फ्रिज में नहीं होगा क्योंकि कर देता हूँ सबको ठंडा। एकदम ठंडा तो फ्रिज तो नहीं करता है एकदम से ठंडा, ठीक है ना? तो इसके मुताबिक आप देखो ना, क्यों दिमाग चला रहे हो? आउटसाइड इनसाइड डाउनसाइड राइट साइड लेफ्ट साइड। सबको ठंडा कर देते हो, सबको ठंडा। यार तुम लोगों से अच्छे तो आयु पीयू ढूंढ तो लेते हैं। जल्दी ठंडा कौन कर सकता है? मनाल गॉट इट। मेरी बारी और मैं ओके चलो मैं यही वाली पिक करती हूँ। क्या निकलता है मिशी का? एक पेपर तुम मुझे खिलाओ,
फिर जितने चाहो तुम तो मुझसे पाओ। अच्छा क्या है ये थोड़ी मुश्किल है। This is so easy, literally so easy। हम पेपर किसको खिलाते हैं? प्रिंटर। अब ये लग क्या आपकी? लिखते रहे कुछ में। जब वो तुमको सजना सवरना फिर तुम मेरे पास ही आना, कंघा पाउडर नेल पॉलिश हर चीज मुझसे ही पाना। क्या है जवाब बताओ पहले? जवाब है ड्रेसिंग टेबल। यस। अब देखो कितनी देर निकली है। ओ एक रियाल। आप ही आ जाओ। आप ही सीरियल सर। मामा बाय द वे इट्स नॉट सीरियल। और तीन बच्चे हैं जो के तुम्हारे साथ स्कूल जाऊं, भूख लगे तो खाना खाओ। लंच बॉक्स। लंच बॉक्स। बाओ। ओ लाइन में शूट कर दूं अगर चाहे तो। ओ यहां पे रखिए सारे। खुले में ही रख दिया था आपने। बहुत इजी था वैसे ये ढूंढना। यहाँ तो फिर लंच बॉक्स। अब किसकी टर्न है? कौन सा भी नीचे गिरेगा मैं वो उठा लूंगी। क्या है? ओके आप ही कैन यू प्लीज हेल्प मी बिकॉज़ इट्स आई थिंक टू बिग और समथिंग। फिर फर्नीचर का हिस्सा हो लकड़ी में से मैं बनता हूँ, जब खाना हो तुमको खाना फिर तुम मेरे पास ही आना। इतना डिफिकल्ट। जब लकड़ी का चमचा, लकड़ी का कैबिनेट, लकड़ी का और क्या होता है? बाकी सब किसान हो गए। मेरे सामने फिर क्या? कहीं मत जाना, मैं दूंगा तुम एंटरटेनमेंट का खजाना। टीवी ये देखो इतने सारे मिल गए। आई होप अब इससे बना रही सो एक्साइटेड कि क्या निकलने वाला है। हुए हैं महा के। मेरे हुए हैं 125 rupees एंड आप ही के हुए हैं 30 only 30। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।